मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो आपका पेपर सेमेस्टर टू में है, दैट इज CC5, इसमें आप आज सीखेंगे ग्रीडी मेथड क्या होते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा पेपर जिसमें मैथ्स भी है और कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बहुत सारे टॉपिक्स भी है और इसमें कुछ टेक्निक्स भी है, तो हर चीज़ का जो मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया आप उसको देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। और आज आप सीखे क्या है, क्या होता है ग्रीडी मेथड। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी यूजेस कहाँ पे होता है और कहाँ पे क्या क्या इसके एप्लीकेशंस है, इसका यूज़ करके क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इंग्लिश में इसलिए मैं लिखा ताकि आपका नोट्स बन जाए, कंप्लीट हो जाए नोट्स। ये दोनों पैराग्राफ आप जो है अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब यहाँ डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रीडी एल्गोरिदम इज एन अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल एट द मोमेंट। इट डजेंट वरी वेदर द करेंट बेस्ट रिजल्ट विल ब्रिंग द ओवरऑल ऑप्टिमल रिजल्ट। इस पैराग्राफ का मीनिंग समझते हैं। हालांकि अभी हम इसके डेफिनेशन हिंदी में भी लिख दिए हैं, जो हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट वो हिंदी में भी लिख सकते हैं। ग्रीडी एल्गोरिदम या ग्रीडी मेथड एक ऐसा कोशिश है, अप्रोच का मतलब एक ऐसा कोशिश है, एक ऐसा वे है जिसमें क्या किया जाता है, फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए, किसी टास्क को हल करने के लिए, बाय सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन, जो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है उसको सॉल्व करने के लिए एक थ्योरी है, एक टेक्निक है। इट डजन वरी, और ये टेक्निक इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता कि अभी तो वो जो सॉल्यूशन फाइंड किया गया वो सही है, लेकिन हो सकता है यही सॉल्यूशन बाद में सही ना हो, परफेक्ट ना हो, तो इसको फ्यूचर का कोई टेंशन नहीं है। जो सही नज़र प्रेजेंट में आएगा इस टेक्निक के द्वारा, उसी टेक्निक को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, जैसे रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो आप डिसीजन लेते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए या बड़े काम के लिए, कि आपको ये डिसीजन आपको जो सही समझ में आ रहा ना ये सही है प्रेजेंट के लिए, तो आप ले लेते हैं। हालांकि वो फ्यूचर में वो सही नहीं होता डिसीजन। आप खुद अपने आप को फील करते हैं, अपने आप से आप सवाल करते हैं कि मैं अगर ये वाला नहीं लेता, ये डिसीजन नहीं लेता, तो शायद आज मैं यहाँ पे रहता। ये इसका टेक्निक है। डेफिनेशन दूसरा पैराग्राफ में देखिएगा। द ग्रीडी मेथड इज द सिंपलेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। यानी इस बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप देखिएगा अभी हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा या डेफिनेटली बहुत इजी है और रियल लाइफ में हम लोग कितने इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट एन एल्गोरिदम। अब इसकी अपनी डेफिनेशन है कि इस ग्रीडी टेक्निक के अंदर बहुत सारे एल्गोरिदम आते हैं, बट इट इज़ अ टेक्निक, एक टेक्निक है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस अप्रोच इज दैट द डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द करेंटली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। यानी जो इन्फॉर्मेशन अभी है, प्रेजेंट में है, उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन ले लिया जाता है, यानी कि सॉल्यूशन फाइंड कर दिया जाता है। वॉट एवर द करेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट, द डिसीजन इज मेड विदाउट वरिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ द करेंट डिसीजन इन फ्यूचर। मैंने कहा अभी कि जो डिसीजन आप ले रहे हैं हो सकता है फ्यूचर में वो डिसीजन सही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको करना चाहिए था, मान लेते हैं आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहिए था, लेकिन आपने ज्योग्राफी में ले लिया। अब आप कुछ समय के बाद सोच रहे हैं काश कि मैं पॉलिटिकल साइंस लेता, लेकिन उस वक्त जब आपने ज्योग्राफी लिया था तो उस वक्त आपको ज्योग्राफी सही नज़र आ रहा था। लेकिन मैं आपको बताऊं, हर फील्ड बेहतर है। इसमें मैं ये सिर्फ मैं ऑप्शन में एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कभी ऐसा आपने किसी प्रोजेक्ट में हाथ डाला या किसी ऐसे काम को आपने सेलेक्ट किया जो प्रेजेंट के लिए तो बढ़िया था लेकिन बाद में सही नहीं था। जैसे एक किसी बंदे का अगर जॉब हो जाता है किसी कंपनी में, तो और उस जॉब की सैलरी मान लेते हैं महीना 30,000 है और वहाँ ज्वाइन कर लेता है, लेकिन बाद में उसको लगता है कि मैं अगर दूसरी कंपनी में जाता तो शायद वहाँ सैलरी लाख रुपए की होती। तो ये होता है कि पहले प्रेजेंट वाला देखा जाता है कि प्रेजेंट में जो सही आ रहा है तो उसको सिलेक्ट कर लेना। तो ये आपका ग्रीडी टेक्निक हुआ। ठीक है, अब जो हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट उनके लिए भी हिंदी में यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। सभी एल्गोरिदम अप्रोच में सबसे सरल और सीधी अप्रोच ग्रीडी एल्गोरिदम है। इस अप्रोच में भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, यानी भविष्य की चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं कि क्या होगा फ्यूचर में, क्या नहीं होगा। अभी जो है उस पर आप डिसीजन ले लीजिए, उस पर आप फैसला ले लीजिए। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि एक सरल तरीका जो हर स्टेप पर सबसे अच्छा सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करता है। यानी टास्क आपको मालूम है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, टास्क जो होता है ना उसको स्टेप बाय स्टेप फाइंड किया जाता है। उस सारे टास्क को जो होते हैं उसको बांट दिया जाता है और हर स्टेप में उसको उसकी सॉल्यूशन को फाइंड की जाती है। इसमें पहले स्टेप को इस प्रकार चुना जाता है कि वह तुरंत बेनिफिट लाभ देता है। यानी अगर एक प्रॉब्लम के पांच सॉल्यूशन है तो पांच सॉल्यूशन में सबसे वो सॉल्यूशन को देखें जिससे आपको फायदा हो रहा है, वही इसी को बता रहा है कि इस प्रकार चुना जाता है कि वो तुरंत आपको लाभ देता हो। यह अप्रोच पिछले चुने गए सॉल्यूशन को दोबारा से नहीं देखती। इस अप्रोच को मुख्य रूप से ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। यानी
जो सॉल्यूशन हमें सही मिल रहा, जो 10 में से जो परफेक्ट मिल रहा उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ लिखा बहुत आसान है। एनीवे, अब इसमें जो है कुछ हम एग्जाम्पल से आपको पहले दिखा देते हैं, एग्जाम्पल करके तब आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। इस नोट को आप नोट डाउन कर लीजिए और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में ये टॉपिक है। पूछा जाएगा व्हाट इज ग्रीडी टेक्निक, व्हाट इज ग्रीडी अप्रोच, व्हाट इज ग्रीडी एल्गोरिदम, ये भी पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ यहाँ पे अगर व्हाट इज ग्रीडी टेक्निक, टेक्निक सॉरी टेक्निक, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर यहाँ पे आपसे ये पूछेगा व्हाट इज ग्रीडी अप्रोच, ये भी पूछ सकता है ग्रीडी अप्रोच, ठीक है। या फिर ग्रीडी एल्गोरिदम भी पूछ सकता है। तो आप देखिए ग्रीडी का मतलब होता है क्या है, ग्रीडी का मतलब होता है लोभी या लालची, यानी वो तुरंत फायदा देखने वाला, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। जो नजर आ रहा सही फायदा उसी को ले लिया जाए, बहुत सारे लोग हैं ना कि जो नजर आता है फायदा चलो उसको ले लिया जाए, तो यही ग्रेडी टेक्निक है, ये ग्रेडी अप्रोच है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है। इतना भी आप लिख के आएंगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स अच्छा मिल जाएगा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल मेंशन कर देंगे, एग्जाम्पल नीचे में है। इसकी पहले एडवांटेजेस देख लें। एडवांटेजेस ऑफ ग्रेडी अप्रोच के क्या फायदा है, द एल्गोरिदम इज इजियर टू डिस्क्राइब, यानी इस एल्गोरिदम को बहुत आसानी से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। सार एक काम को बांट दीजिए छोटे छोटे पार्ट में, अब उसमें जो बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करता है उसको सेलेक्ट कीजिए, दैट इज इजियर टू डिस्क्राइब, आसान है डिस्क्राइब करना। दूसरा क्या, ये एल्गोरिदम परफॉर्म बेटर देन अदर एल्गोरिदम, यानी दूसरे एल्गोरिदम से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सारे केसेस में नहीं, ये एल्गोरिदम आगे जाके इंटरप्ट भी हो जाएगा, फंस जाएगा। अभी हमने देखा कि ये बढ़िया है सॉल्यूशन अच्छा, लेकिन आगे जाके वो सॉल्यूशन सही नहीं होता है। तो खैर अब यहां तक समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल देखिए, डायग्राम हमने आपको आपके सामने एक ट्री बनाया, यहाँ पे ट्री देखिए, ट्री इसको ट्री कहते हैं। ट्री में कितने नोड हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 नोड हो गए ना। तो अब आपको इसमें जो देखना है कि इसमें वेट जो है सबसे ज्यादा वेट किसका है, ठीक है ना। किधर आपका ये रास्ता हो गया, एक एक यहाँ से यहाँ ये रास्ता है, फिर एक ये रास्ता है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 20 से करेंगे, ठीक है ना। तो 20 से कनेक्टेड डायरेक्ट कनेक्ट कनेक्ट कौन है, ये वाला और ये वाला है, ठीक है। ये है कि ये है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपका ये वाला है। तो आप क्या करेंगे, ग्रेडी क्या बोलता है, सबसे पहले इसी को ले लिया जाए, ठीक है ना। सपोज मैंने ले लिया 20 और इसमें ऐड कर देंगे 3, तो कितना हो जाएगा 23। अब चूंकि ये रास्ता में जा रहे हैं तो साथ में क्या मेरे पास है, एक 1 आ गया, तो यहाँ पे +1 अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। लेकिन अभी आपको नजर आ रहा है कि 3 बड़ा है, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि इधर जाते तो ये ज्यादा बड़ा हो जाता है, कैसे वो भी देख लेते हैं। 20 + 2, यहां से अगर आते हैं 2 हो गया, फिर यहां से आ जाते हैं तो +10 हो गया, तो कितना हो गया 20 30 = 32। अब देखिए मैक्सिमम तो वैल्यू ये वाला निकल गया। तो ग्रिडी क्या करता है कि जो उसको प्रेजेंट में नजर आता है, जो सामने नजर आता है, उसी को पहले सेलेक्ट करता है, हालांकि भविष्य में क्या होगा वो उसको उससे उसके कोई मतलब नहीं है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया। अब इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है रूट फाइंड करने में, है ना, डिस्टेंस को फाइंड करने में, और बहुत सारे मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और भी बहुत सारे ऐसे डिसीजन को लेने में ये ग्रेडी का टेक्निक, ग्रेडी टेक्निक यूज किया जाता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी आप मेंशन करके आप लिख लेंगे नोट डाउन में, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, और उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, सिलेबस में जो टॉपिक होगा उसको लेके आते हैं। तब तक आप अच्छे से पढ़िए और शेयर कीजिए, खूब अच्छे से पढ़िए और अपने